पंजाब में विपक्षी पार्टियों पर बरसे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस के उद्घाटन समारोह में कहा कि 75 साल हो गए आज़ादी को, एक भी पार्टी या सरकार ने कभी आकर ये नहीं कहा कि हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। पहले तो छोड़ो, अब आदमी पार्टी आ गई है, अभी भी नहीं कहते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी नीयत खराब है। जो इन लोगों ने 75 साल में नहीं किया, वो पंजाब सरकार ने 1.5 साल में करके दिखा दिया। बिहार में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंचा। बिहार में अब डेंगू लोगों को डराने लगा है। देश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1100 को पार कर चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू से निपटने की हर मुकम्मल तैयारी में जुटा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस वर्ष मंगलवार 12 सितंबर तक मिले डेंगू मरीजों की संख्या 1132 पर पहुंच गई है। आज सीटें जरूरी नहीं, देश बचाना है। INDIA महागठबंधन की आज पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है। यह बैठक शरद पवार के आवास पर शाम 4 बजे होगी, जहां 14 नेता शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के फॉर्मूले, साथ ही अभियान चलाने को लेकर रणनीति के ऊपर चर्चा हो सकती है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी ओर से मैं उसमें अपनी बात रखूंगा, क्या एजेंडा होगा, कैसे उसे लोगों के बीच लेकर जाएंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पर चर्चा करेंगे हम, राज्यवार इस पर चर्चा करेंगे। कवर वाले बयान पर कपिल सिब्बल ने केंद्र को घेरा। G20 शिखर सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार ने दो बुक जारी की हैं, भारत द अमर ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्शन इन इंडिया, जिनमें 6000 ईसा पूर्व से भारतीय लोकतंत्र की जड़ों के बारे में बताया गया और शुरू में ही कहा गया कि देश का आधिकारिक नाम भारत है। साथ ही इसमें मुगल सम्राट अकबर को शांति और लोकतंत्र का समर्थक बताया गया है। अब इसको लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिब्बल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, G20 मैगजीन में सरकार ने मुगल सम्राट अकबर को शांति और लोकतंत्र का समर्थक बताया। इनका एक चेहरा दुनिया के लिए और दूसरा इंडिया के लिए, जो भारत है, प्लीज हमें असली मन की बात बताएं। दिल्ली हाईकोर्ट का रेलवे को आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलवे को रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद तकिया बाबर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद की दीवार पर चिपकाए गए 2 डेमोलेशन नोटिसों के संबंध में रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 2 नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। चुनावी साल में फिर कर्ज लेने की तैयारी में शिवराज सरकार। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। एक बार फिर से सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार के कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार अपनी स्वयं की ब्रांडिंग के लिए कर्ज ले रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता जनार्दन की सुविधाओं के लिए हम यह राशि खर्च कर रहे हैं। खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में मंदांता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। इस प्रतिमा को अष्टधातु से तैयार किया गया है, जिसे बनाने में देशभर के ख्यातनाम कलाकारों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिमा का लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को करने वाले हैं। इसके पहले 16 सितंबर से धार्मिक आयोजनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा हवन, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत सम्मिलित होंगे। वोटर आईडी बनाने के एवज में मांगी जा रही रिश्वत। एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता है। अभी तक आपने वोटर्स को पैसे खिलाने के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे जब मतदाता से वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए रिश्वत ली गई हो। एक ऐसा मामला जबलपुर से सामने आया है। यहां लोकायुक्त टीम ने 2500 रुपए रिश्वत में BLO को गिरफ्तार किया है। बताया गया BLO ने वोटर आईडी कार्ड बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। सचिन पायलट पर बरसे हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उदयपुर पहुंचे। उन्होंने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर युवा हुंकार रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बेनीवाल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी जमकर बरसे।
उन्होंने कहा कि पायलट का कोई वजूद नहीं है, उन्हें लोग पिता की वजह से जानते हैं। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस को घेरा। हरियाणा बीजेपी के मुखिया ओपी धनखड़ की उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के इसी कल्चर की वजह से भारतीय संस्कृति का नुकसान हुआ है। पिछले 7 दशकों से वो हम सब ने देखा है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का क्या रवैया था वो हम सब ने देखा है। इनका क्या रवैया है कृष्ण जन्मभूमि पर, आर्टिकल 370 पर इनका क्या रवैया था, सर्कुलरिज्म के नाम पर केवल हिंदुओं को पीछे करते जाओ, यही इनकी नीति रही है। कांग्रेस की इस नीति को उजागर कर जन जन तक पहुंचाना होगा। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का अनशन समाप्त। आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने की मांग की है। जरांगे ने मंगलवार देर रात शिंदे से फोन पर हुई बातचीत के बाद यह मांग रखी। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने देर रात धरना स्थल पर पहुंचकर जरांगे से मुलाकात की थी। उदयनिधि स्टालिन की बढ़ सकती है मुश्किलें। महाराष्ट्र पुलिस ने तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म पर उनके हालिया विवादास्पद बयान के लिए FIR दर्ज की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मंगलवार रात 11 बजे मीरा रोड निवासी 38 वर्षीय एक नागनाथ कामले की शिकायत पर दर्ज की गई, जो विद्या विहार स्थित एक कंपनी में डेटा पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं। 4 सितंबर को एक अंग्रेजी अखबार में स्टालिन के बयान के बारे में पढ़ने के बाद कामले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में धर्मांतरित आदिवासी परिवार और मूल धर्म के आदिवासियों के बीच लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन पूरे बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपसी विवाद के साथ मारपीट तक की नौबत आ रही है। बुधवार 13 सितंबर को बस्तर जिले के दरबा थाना क्षेत्र के धुमागोड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर एक बार फिर धर्मांतरित परिवार और मूल धर्म के आदिवासियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। आबकारी विभाग के कार्यालय पर लगा ताला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने और बाकी हैं। प्रदेश के सत्ता में लगातार 15 साल तक काबिज रही बीजेपी वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के सीनियर नेताओं सहित प्रदेश के सियासी चेहरे लगातार मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। भूपेश बघेल की अगुवाई कांग्रेस सरकार पर बीजेपी नेता सियासी मंचों से लगातार भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी अब शराब मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के आबकारी विभाग के कार्यालय का घेराव कर रही है। बालोद में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आबकारी के मुख्य शराब गोदाम में ताला लगा दिया। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को चाकुलिया के केरुकोचा फुटबॉल मैदान में शहीद साबुआ हांसदा की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा का संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि मैं देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। कई शक्तिशाली संस्थाएं विपक्ष के इशारे पर मुझे परेशान करने की कोशिश में है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। तालिबान को मिला ड्रैगन का साथ। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने काबुल में पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त किया। चीन ऐसा करने वाला पहला देश है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नए चीनी राजदूत झाओ झिंग ने तालिबान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन हंगखुत से मुलाकात की। तालिबान प्रशासन के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने एक बयान में कहा, एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान में नई चीनी राजदूत झाओ झिंग के बीच मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। इसके साथ ही नए चीनी दूत ने अफगानिस्तान में अपने नए मिशन पर खुशी व्यक्त की। किम जोंग उन और पुतिन ने की मुलाकात। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रूस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक से मुलाकात की। पूरी दुनिया की नजर उन दोनों की मुलाकात पर थी। हालांकि इस मुलाकात ने खासकर वेस्टर्न देशों के बीच खलबली जरूर मचा दी है। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को इशारों इशारों में संदेश देने की कोशिश की। लीबिया में लाशों से भर गए अस्पताल।
उत्तरी अफ्रीका देश लीबिया में विनाशकारी तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अब तक बाढ़ के कारण करीब 5300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या में अभी बढ़ोतरी हो सकती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ का कहर लीबिया के पूर्वी इलाके में देखने को मिला है, जहां डर्ना शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। किम जोंग उन ने फिर बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। किम जोंग उन के रूस यात्रा के बीच में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बुधवार सुबह दागी गई इस मिसाइल का पता जापान को भी चला। इसके बारे में जापान के कोस्ट गार्ड का कहना है कि वह मिसाइल समुद्र में गिरी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे थर्मन शणमुगरत्नम। सिंगापुर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शणमुगरत्नम गुरुवार 14 सितंबर को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। बता दें कि हाल ही में शणमुगरत्नम ने 70.4% वोट के साथ बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में भारतीय मूल के थर्मन शणमुगरत्नम बतौर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 14 सितंबर से संभालेंगे। सिंगापुर में निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।